अरे बात करते हैं सिंगरौली की, जहां नगर निगम चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। भाजपा, कांग्रेस, आप, बसपा, जदयू, शिवसेना, भाकपा, जन अधिकार पार्टी, सपा सहित 12 महापौर पद के दावेदार चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। सभी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी भाजपा में भी कुछ अंदरूनी बगावती रुख को भांपते हुए सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे और पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रूठों को मनाया। धीरे धीरे प्रचार प्रसार जोर पकड़ने लगा। प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा के संभागीय चुनाव प्रभारी भी सिंगरौली में डेरा डाले हैं। उनका जिले में लोगों से पुराना जुड़ाव है, जिससे वो लगातार इलाके में जनसंपर्क बनाए हुए हैं। प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने विराट 24 न्यूज चैनल के रिपोर्टर को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पार्टी में कहीं कोई बगावत नहीं है। भाजपा विश्व की बड़ी पार्टी है। भाजपा में व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी चुनाव लड़ती है। देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिले को माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज सहित तमाम बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री खुद 1 जुलाई को यहाँ रोड शो करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा विकास के लिए हमेशा अग्रसर है। रीवा संभाग के प्रभारी राजेंद्र शुक्ला का दावा है कि सतना, रीवा और सिंगरौली तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। राजवाटिका विवाह घर, सर्व सुविधा युक्त, प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।